हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपिका स्टाइल। सो गाइस, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो गाइस, आप देख सकते हैं यह आज का मेकअप लुक, और यह मेकअप लुक मैंने बहुत ही कम प्रोडक्ट के साथ किया है, और ये रक्षाबंधन मेकअप लुक है। इस मेकअप में मैंने सारा प्रोडक्ट 30 रुपीज़ के अंडर यूज़ किया है। 30 रुपीज़ के अंडर मैं आपको आज पूरा मेकअप करके दिखाऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, हमें सबसे पहले लगाना होता है टोनर। तो टोनिंग के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ डाबर गुलाबरी का रोज़ वाटर। ये 15 रुपीज़ का आपको लोकल मार्केट से मिल जाएगा। अगर आपको इससे बड़ा चाहिए तो आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं, वरना लोकल मार्केट में भी इजीली मिल जाते हैं। और सेकंड स्टेप होता है हमारा मॉइस्चराइज़र का। तो यहाँ पर मैंने लिया है ओलिविया का मॉइस्चराइज़र। ये 10 रुपीज़ का आ जाता है। लोकल मार्केट में आपको 10-10 रुपीज़ के काफ़ी सारे अच्छे अच्छे मॉइस्चराइज़र मिल जाएंगे। आप चाहें तो वो ला सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई और अच्छा मॉइस्चराइज़र है तो आप वो अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइज, हमने ये अप्लाई कर लिया है, अपने फेस पर लगा लिया है, एंड अब हमें इससे अच्छे से मसाज करते हुए अपने फेस पर, पूरे फेस पर लगा लेना है। सो गाइज, मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद हमें लगाना है फाउंडेशन। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ ब्लू हेवन का फाउंडेशन। ये 30 रुपीज़ का मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ किया है। अगर आपके पास कोई और अच्छा फाउंडेशन है तो फिर आप वो यूज़ कर सकते हैं। वैसे हमें वो सबसे अच्छा फाउंडेशन मेरे को लगता है मेबलिन फिट मी का। मैंने उसका रिव्यू भी दिया हुआ है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो गाइस देखिए, मैंने यहाँ पर ये फाउंडेशन लगा लिया है, और अब हमें इसे एक ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से अपने फेस पर ब्लेंड करना है। गाइज, अब हमें अपने फेस के जो डार्क एरियाज होते हैं उन पर हमें लगाना है कंसीलर। ये वैसे फाउंडेशन है, मैंने ये DIY फाउंडेशन बना के दिखाया था शॉर्ट वीडियो में। तो इस फाउंडेशन का जो लिक्विड है वो थोड़ा हार्ड हो गया था, जैसे कंसीलर का होता है, इसलिए मैंने इसको एज अ कंसीलर अपने आईज़ पर अप्लाई करा है। और अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ ADS की लिप लाइनर वाली पेंसिल जो होती है, ये वो है। इसको मैं एज अ कंटोरिंग स्टिक यूज़ करूँगी अपने फेस पर, आप देख सकते हैं। और अब हमें इसको करना है अच्छे से ब्लेंड। ब्लेंड करने से पहले यहाँ पर मैं ले रही हूँ पिंक शेड की लिपस्टिक, ये मैं एज अ ब्लशर यूज़ करूँगी अपने फेस पर। अब हमें इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, कंसीलर को, कंटोरिंग को और ब्लशर को। तो गाइज, अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ स्पिन का एब्योटिक पाउडर। ये फेस पाउडर है, आप चाहें तो अगर आपके पास कोई वाइट टोन या फिर कोई और ऐसा पाउडर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने अंडर 30 रुपीज़ में मेकअप लुक दिखाया है, इसलिए मैं वाला पाउडर यूज़ कर रही हूँ। ये लोकल मार्केट से आपको ईजिली मिल जाएगा, और हमें ईजिली अपने फेस पर जो एक्स्ट्रा पाउडर होता है उसको हमें रिमूव कर देना है। और अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ रेड शेड की लिपस्टिक, इसको मैं अपनी आईज़ पर अप्लाई करूँगी। लिपस्टिक को आप कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आई शेडो में, जैसे मैं कर रही हूँ, और आप इसको ब्लशर भी बना सकते हैं। और जो ब्राउन शेड की लिपस्टिक होती है उसको आप एज अ कंटोरिंग स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। लिपस्टिक काफ़ी तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज देखिए, मैंने अपनी आईज़ पर ही अच्छे से अप्लाई कर ली है। गाइज, अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ मैक की आई शेडो ग्लिटर। ये आई शेडो ग्लिटर है, मैं इसको अपनी आई शेडो के ऊपर लगाने वाली हूँ। ये कुछ इस तरीके की है, आप देख सकते हैं इसका कलर काफ़ी अच्छा है, रेड कलर की शेड है, काफ़ी अच्छी शेड है। मैंने अपनी आई शेडो भी रेड कलर की ही पिक की थी, जो लिपस्टिक मैंने लगाई है, और ग्लिटर भी मैं रेड कलर का ही लगा रही हूँ। हमें अपनी दोनों आईज पर अच्छे से लगा लेना है। गाइज, अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ ब्लू हेवन का काजल। ये 10 रुपीज़ का आता है, इजीली आपको कहीं से भी मिल जाएगा। हमें इसको अपनी आईज़ के इनर कॉर्नर पर लगा लेना है इस तरह से, एंड इसको हमें अपनी लोअर लैश लाइन पर भी अप्लाई करना है अच्छे से।
उसके बाद आप इसको ब्लेंड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई और अच्छा काजल है वाटरप्रूफ तो आप वो लगा सकते हैं। वैसे ये वाला काजल भी काफ़ी अच्छा है, आपकी आईज़ को हार्म नहीं पहुंचाएगा, काफ़ी अच्छा है। गाइज अब मैं दोबारा से वही शेड की लिपस्टिक अपने लिप्स पर अप्लाई करूँगी। ये वाली शेड काफ़ी अच्छी है, रेड शेड की लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ मैं, और इसी लिपस्टिक को मैं अपने चिक्स पर भी अप्लाई करूँगी। अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ADS की आईब्रो पेंसिल एंड ये आईब्रो ब्रश। पहले मैंने आईब्रो पेंसिल से अपनी आईब्रो फिल की है, उसके बाद मैं आईब्रो ब्रश की हेल्प से अच्छे से इसको अपना जो ब्लैक कलर है उसको अच्छे से डिफाइन कर रही हूँ। एंड अब मैं यहाँ पर आईब्रो ब्रश की हेल्प से अपनी आईब्रो को कॉम कर लूँगी। तो गाइज आप देख सकते हैं मेरा मेकअप कम्प्लीट हो चुका है और ये है मेरा फाइनल लुक। ये मेकअप बहुत ही इजीली मैंने कर लिया है और आप भी इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप मुझे प्लीज़ बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।